गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जीव अपनी इंद्रियों, अपने मन तथा बुद्धि की प्रेरणा से जो करता है वह कर्म कहलाता है। यह कर्म सांसारिक जीवों के लिए है जो ईश्वर की कामना करते हैं। वह अपने 11 इंद्रियों, 5 विषय भोग से दूर रहकर केवल ईश्वर के प्राप्ति की कामना करते हैं। यह जगत मिथ्या है। इंद्रियों को वश में करके परमात्मा बुद्धि से शास्त्र द्वारा बताए गए कर्म को करना ही कर्म योग है, क्योंकि संपूर्ण संसार का कारण श्रीधर रूप महाविष्णु प्रकृति है और प्रकृति का पालन करना शास्त्र धर्म है और शास्त्र धर्म द्वारा किया गया कर्म कर्म योग कहलाता है। अन्न खाना, पानी पीना, वायु का ग्रहण करना, किसी भी क्रिया का करना कर्म कहलाता है। वेदांत दर्शन में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। संचित कर्म। संचित कर्म का अर्थ है कि पूर्व जन्म में हमने जो अनेकों शरीर धारण किए, उन शरीरों में हमने जो कर्म किए वो संचित कर्म कहलाते हैं। हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार चित्त में संचित पड़े रहते हैं। इन्हीं कर्म संस्कारों के समूहों को संचित कर्म कहा जाता है। प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म ऐसे कर्म हैं जो संचित कर्मों में अति प्रबल है। ये कर्म इतने बलवान होते हैं कि कर्मों का फल भोगने के लिए अगले जन्म में जाते हैं। यह निश्चित है कि हमारे सुख या दुख की उत्पत्ति प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही होती है। क्रियमान कर्म। इन्हें आगामी कर्म के नाम से भी जाना जाता है। आगामी अर्थात आगे किए जाने वाला कर्म। व्यक्ति ने जिन कर्मों का आरंभ अभी नहीं किया वही आगामी कर्म है जो भविष्य में फल प्रदान करते हैं। आगामी कर्म मनुष्य के अधीन है। इनको चाहें तो हम बना सकते हैं, चाहें तो बिगाड़ सकते हैं। कर्म सिद्धांत, जिसे कर्म योग भी कहा जाता है, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है जो भगवद गीता, उपनिषदों और धार्मिक ग्रंथों से मिलता है। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति और आत्मा की मुक्ति के लिए मोक्ष प्राप्त करना है, जिसका पहला मुख्य सिद्धांत है निष्काम कर्म। कर्म योग में निष्काम कर्म का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका अर्थ है कि कर्मचारी को किसी भी कार्य के फल के लिए आसक्त नहीं होना चाहिए। यहाँ कर्मचारी अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है और फल की चिंता में नहीं पड़ता। और दूसरा है आत्मसमर्पण, जिसमें कर्मयोगी अपनी इंद्रियों और मन को ईश्वर के सेवन में समर्पित करता है। उसका मुख्य लक्ष्य ईश्वर की अद्वितीयता में एकाग्र होना है। तीसरा, अनासक्ति। कर्मयोगी अपने कर्मों में सकाम नहीं रहता, उसका मन फलों में आसक्त नहीं होता, यह अनासक्ति का तात्पर्य है। चौथा, ज्ञान और कर्म का संबंध। कर्मयोग में ज्ञान और कर्म को एक संगम में लाने का प्रयास किया जाता है। कर्म का योगदान करते हुए भी व्यक्ति को आत्मा की साक्षात्कार की प्राप्ति का ज्ञान होता है। पांचवा, सांसारिक बंधनों से मुक्ति। कर्म योग में साधक को सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हुए आत्मा की अद्वितीयता में स्थिति हासिल करनी होती है। अर्थात कर्म सिद्धांत या कर्म योग एक अद्वितीयता की दृष्टिकोण का सिद्धांत है, जो व्यक्ति को सकाम कर्मों के माध्यम से आत्मा की जन्म और मरण की पुनरावृत्ति अर्थात पुनर्जन्म से मुक्ति तक पहुंचने में मदद करता है। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से व्यक्ति कर्म करते हुए भगवान की प्राप्ति और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। इसमें ज्ञान मार्ग के बारे में विस्तार से चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।